यहाँ से आपको हवा महल दिख जाएगा, जंतर मंतर दिख जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा है, सिटी दिख रहा है। पहले के टाइम का अलमारी ये देखिए ऐसा बनाया रहता था गांव में, मतलब गांव के जो पुराने घर बनते थे ऐसे ही बनते थे। और ये जो महल है काफी अच्छा है देखिए ये भाई साहब। अरे वाह वाह वाह, मन कर दो क्या? 30 फुट पे आज तक कोई अटैक नहीं हुआ है। तो गाइस ये नारगढ़ की बावड़ी थी। साथ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू पॉइंट, काफी अच्छा है एक जगह। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। गाइस अभी हम जा रहे हैं नारगढ़ किला, वहाँ पर विजिट करेंगे, जो कुछ भी रहेगा आपको बताएंगे और जितना भी मालूम पड़ेगा बताएंगे। आगे क्या बोलो यार। तो गाइस चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको नारगढ़। नारगढ़ किला जो है जयगढ़ से करीब 8 साढ़े 8 किलोमीटर दूर है, ऐसा हमारे गाड़ी वाले भैया ने बताया है। और अगर आप जयगढ़ आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट नारगढ़ भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नॉर्मली इजी पड़ेगा आपके लिए, जयगढ़ और नारगढ़ दोनों एक साथ में हो जाएगा। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको नारगढ़ किले पर। तो गाइस नारगढ़ हम पहुंच गए हैं और करीब 20-25 मिनट लगा है नीचे से, और हम नारगढ़ में हैं अभी फ़िलहाल। ऊपर अंदर आने का टिकट करीब 50 रुपये के आसपास है। और अभी यहाँ पर हम लेके चलता हूँ आपको और दिखाऊंगा अंदर का पूरा व्यू। तो चलिए मेरे साथ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू पॉइंट, काफ़ी अच्छा है एक जगह। यहाँ पर व्यू पॉइंट है काफ़ी बढ़िया है, पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। काफी खूबसूरत व्यू है गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अभी अंदर, अपने व्यू पॉइंट देखा काफी अच्छा था गाइस, और यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा था यहाँ से। तो गाइस अभी मैं आगे लेके चलता हूँ महल में, अंदर दिखाऊंगा। और इस फोर्ट के बारे में बता दूँ गाइस कि इस फोर्ट पे आज तक कोई अटैक नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही बना हुआ है। तो गाइस मैं लेके चलता हूँ आपको और अंदर दिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा जो कुछ भी रहेगा। गाइस चलिए। गाइस ये नारगढ़ की बावड़ी है, यहाँ पहाड़ पे पानी बारिश की पानी आती थी और यहाँ आके इकट्ठा हो जाती है गाइस। और जो कचरा वगैरह है वो देखे उस साइड देखिए, देखिएगा वहाँ पर वो लगी है, कचरा वगैरह वहीं रुक जाता है और जितनी भी साफ़ पानी रहती थी वो बावड़ी में आके गिर जाती थी। तो गाइस ये नारगढ़ की बावड़ी थी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अभी अंदर चलते हैं, हम अंदर क्या क्या है वो दिखाते हैं जल्दी। गाइस यहाँ पर एक तोप रखा हुआ है एंट्री पे ही, मतलब जैसे आप अंदर एंटर करेंगे वैसे ही तोप वगैरह रखा हुआ है देखिए यहाँ पर। और यहाँ से एंट्री होगी हमारी और हम चलेंगे अंदर, देखेंगे अंदर क्या क्या है कैसा है सब आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे गाइस। गाइस ये अंदर हम आ गए और ये देखिए खूबसूरत सा, ये पेंटिंग शायद पुराना ही है, नया पेंटिंग नहीं है, पुराना ही है उस टाइम का। काफ़ी खूबसूरत व्यू है देखिए। और ये देखिए जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ का व्यू, जो पेंट है काफ़ी अच्छा पेंट है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी की गई है गाइस। चलिए हम अंदर लेके चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। एंट्रेंस भी काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हवेली के अंदर। गाइस यहाँ से हम अभी एंटर होंगे और चलेंगे, देखिए काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा गाइस यहाँ का। ये चारों तरफ देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, देखिए बढ़िया सा व्यू बना हुआ है, ऊपर खुला हुआ है और यहाँ नीचे देखिए ये पानी, अगर बारिश का पानी आए तो इसमें चला जाएगा गाइस। और यहाँ देखिए यहाँ बहुत ही बेहतरीन है, शायद किसी का कमरा वगैरह है यहाँ पर कुछ रखने के लिए गाइस। हाँ गांव में ऐसे घरों में बना रहता था, अब तो नहीं बनता है, पहले के घरों में ऐसा बनता था। और चलिए गाइस मैं दूसरे रूम में लेके जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक और रूम है यहाँ पर अभी, ये रूम में देखिए, ये रूम में भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया है। और ये देखिए राहुल क्या है भाई? अच्छा गाइस ये पहले के टाइम का अलमारी है देखिए, ऐसा बनाया रहता था गांव में, मतलब गांव के जो पुराने घर बनते थे ऐसे ही बनते थे। और ये जो महल है काफ़ी अच्छा है देखिए ये भाई साहब। अरे वाह वाह वाह, मन कर दो क्या? बढ़िया बना हुआ है और डोर वगैरह अच्छे से लगा हुआ है इसको, और इसमें शायद कुछ सामान वगैरह रखा करते थे गाइस। ये समझ में नहीं आ रहा है देखिए, ये जो वॉल है
वॉल बना दिया गया है और इसके इसके इस साइड भी जा सकते हैं गाइस। ये पता नहीं क्या था, यहाँ पर होल है, कुछ रहेगा, कुछ खास ही रहेगा तभी तो इतना, नहीं तो राजा महाराजा थे भाई, कुछ ना कुछ बिना मतलब का कुछ नहीं बनवाएंगे। तो गाइस चलिए मैं लेके चलता हूँ अभी आपको ऊपर की तरफ, ऊपर जाएंगे उसके बाद में देखेंगे क्या क्या है वहाँ पर। गाइस दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जा रही है, तो चलते हैं हम ऊपर। ये गाइस ऊपर का व्यू, ये खूबसूरत है गाइस, ये देखिए, मानना पड़ेगा भाई, फुल कांच का काम किया गया है, बहुत ही बढ़िया ये व्यू देखिए गाइस, अंदर का व्यू पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मगर अंदर का व्यू भी काफी खूबसूरत है और जो कांच में बाहर से दिख रहा है ना वो भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है गाइस। गाइस उस टाइम का ये डिज़ाइन है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है गाइस। अभी मैं ऊपर लेके चलता हूँ, इससे भी ऊपर लेके चलूँगा अगर रास्ता रहेगा तो। गाइस देखिए ये रहा ऊपर का, अगर ऊपर जाने का अगर रास्ता रहा तो मैं यहाँ भी लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ गाइस। तो चलिए है क्या इस साइड गाइस, यहाँ देखिए यहाँ पर ये गली के जैसा बना हुआ है, ये पीछे गली के जैसा बना हुआ है और यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ लगी हुई है, यहाँ खिड़कियाँ लगी हुई है ऐसे बहुत सारा, देखिए लाइन से पूरा लगा हुआ है ऐसा गली के जैसा है। शायद यहाँ से बीच में अगर कुछ प्रोग्राम वगैरह होता रहेगा तो उसको देखने के लिए लेडीज़ देख सके, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर अंदर बहुत सारे रूम्स हैं गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये दूसरे जगह पर आया हूँ गाइस, ये दूसरी जगह पर है और सेम डिज़ाइन है। पहले के टाइम पे गाइस राजा महाराजाओं की बहुत सारी बीवियां होती थी, उनके लिए कमरे रहेंगे मे बी, तो सेम टू, देखिए इसमें आया हूँ तो इसमें भी सेम डिज़ाइन किया गया है और सेम टू सेम है। तो गाइस चलिए ऊपर चलते हैं, कौन सा वे है जाने का अभी हम देखेंगे और चलेंगे। गाइस सेम डिज़ाइन मेरे को हर जगह दिख रहा है, मतलब दो चार कमरे हैं उसके बीच में जो बना हुआ है वो मतलब खाली एम्प्टी और उसमें नीचे से पानी जाएगा, वो हर जगह पे ऐसा ही बना हुआ है गाइस। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है और मैं आगे जाऊँगा तो वहाँ पर भी इसमें आगे लेके चलता हूँ आपको और आगे का दिखाता हूँ कैसा व्यू है। और यहाँ पर भी देखिएगा ऐसे ही है सेम टू सेम। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको। मंकी 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 गाइस ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है ऊपर से, मैं आपको ऊपर का वीडियो दिखा दूं। ये देखिए ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बढ़िया बहुत ही अच्छी व्यू है गाइस ऊपर से। ये देखिए गाइस एक नंबर, राहुल देखिए फोटो, भाई को फोटो चाहिए, मन नहीं मान रहा। ये गाइस पूरा व्यू बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा है, एकदम बढ़िया व्यू दिख रहा है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है, यहाँ से आपको हवा महल दिख जाएगा, जंतर मंतर दिख जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा है गाइस, सिटी दिख रहा है। तो गाइस आगे मैं लेके जाके उस साइड दिखा देता हूँ, उस साइड का अगर फ्रंट व्यू अच्छा रहेगा तो उधर का भी दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा का पूरा गाइस अच्छे से दिख रहा है यहाँ से। चारों तरफ से अगर देखेंगे ना गाइस, चारों तरफ से मैं कैमरा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए उस साइड से देखा आपने, अभी पीछे भी मेरे देखा, अभी इस साइड देखिए पूरा जयपुर दिख रहा है गाइस यहाँ से। ये सबसे ऊपर है गाइस टॉप पे एकदम, ये नीचे से करीब
11 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा गाइस। आपको इतना ऊपर है पहाड़ के ऊपर, 11 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको, इतना ऊपर है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कर दो यार, कर दो। ये देखो भाई बोल रहा है अपना, लाइक कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।